आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वे आपस में होंगे और विकल्प दिया हुआ है समरूप, संकेंद्रीय, संपाति और सर्वांग सम। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, दो वृत्त है, मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त है और एक और वृत्त हमने यहाँ से ले लिया है। तो किस प्रकार से है, देखिए अब ये दो वृत्त है, इन दो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। यहाँ मान लीजिए वृत्त का केंद्रक है और ये केंद्र है, इसका जो त्रिज्या है मान लीजिए आर वन है और ये दूसरा जो वृत्त है इसका त्रिज्या आर टू है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है, आर वन बराबर आर टू है। जब वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है तो ये दोनों वृत्त जो होंगे समान आकृति का होगा, सेम शेप का होगा, इसका मतलब क्या है, वृत्त समरूप है, वृत्त समरूप होगा। जब वृत्त समरूप होगा तो दूसरी बात क्या है, जब इसकी त्रिज्याएं बराबर है तो इसका जो व्यास है वो भी बराबर होगा। जब वृत्त का व्यास भी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त सर्वांग सम भी है, सर्वांग सम भी है। यानी अगर ऑप्शन में देखें तो हमारे पास कह रहा है कि समरूप, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। संकेंद्रीय जरूरी नहीं कि वृत्त का केंद्रक समान हो, तो संकेंद्रीय जरूरी नहीं, संपाति भी जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वांगसम जरूरी है। तो हमारे पास जो इस प्रश्न का उत्तर आएगा वो ए तथा डी आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।